अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है? हैं? जी क्लास, सब लोगों को आप ग्रुप में पूछो जरा, सब लोगों को आप शो हो रही हूँ।
बाकी स्टूडेंट्स का भी वेट कर लेते हैं अभी, ठीक है 5 मिनट और। अच्छा मैं अभी पहले म्यूट किया हुआ था, मैं वेट कर रही थी, अभी 11 स्टूडेंट्स हुए हैं, ठीक है। अच्छा सबसे पहले ना आज ग्रुप 10 वाले लोग कहाँ हैं? मुसर्रत MMM वाले, हाँ जी मुसर्रत परवीन, मेमूना शकील और मेमूना शरीफ, ये बच्चे किधर हैं ग्रुप 10 वाले अभी प्रेजेंट? ये मुझे सबसे पहले ना आज ग्रुप 10 को जरा बुलाना है, जिनका कोई अली बे ही नहीं पता क्या करना है इन्होंने। मुसर्रत परवीन, मेमूना शकील और मेमूना शरीफ, अभी भी आवाज नहीं आ रही आपको बच्चों? अच्छा मैंने आप लोगों को ये कहा था, अच्छा ठीक है, मैंने तुम लोगों को ये कहा था कि मुझे वर्ड की फाइल पे चाहिए, तुम लोग फिर हाथ से इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, हाथ से लिख रहे हो एब्स्ट्रैक्ट, मुझे हाथ से लिखा हुआ नहीं चाहिए बेटा। आप लोगों के पास क्या सिस्टम्स नहीं है बेटा, लैपटॉप नहीं है? ये तो काम ही सारा लैपटॉप का है, अभी तक तो उतना काम हो जाना चाहिए, क्यों ऐसे कर रहे हो? मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि मैंने उन लोगों का चेक करना है जो मुझे वर्ड पे, लेकिन किसी एक बच्चे ने भी नहीं भेजा वर्ड वाली फाइल।
और ये जिसने शेयर किया ग्रुप में, ये कौन है? अच्छा एक आया है मैसेज अभी, फौजी अख्तर आपका। ये एक एक पेज आपने सेंड किया ना, ये तो इनकम्प्लीट है ना, ये तो कम्प्लीट ही नहीं है। तो आपने ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता, ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं होता, एब्स्ट्रैक्ट होता है, ए फॉर एब्स्ट्रैक्ट। नहीं मारिया घोष, मैं आपका नहीं कह रही हूँ, मैं फौजिया अख्तर की बात कर रही हूँ। फौजिया बेटा आपने ना एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, ठीक है, आपने ऑब्स्ट्रक्ट ऑब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, ये कोई वर्ड नहीं, ये तो आपने कुछ और ही ऑब्स्ट्रक्ट लिखा हुआ है, रुकावट, तो एब्स्ट्रैक्ट होता है, वर्ड ही गलत लिखा हुआ है। बेटा ये एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं है, पूरा भी नहीं है, ये क्या लिखा हुआ है, ये सिर्फ अपना डिजाइन, ये डिजाइन करके आपने छोड़ा हुआ है आगे से, ये अपने गलत तो नहीं सेंड कर दी पिक्चर, देखो। ये कंप्लीट ही नहीं है एब्स्ट्रैक्ट। अच्छा जी, अब जिन्होंने मुझे मेल की है वर्ड की फाइल पे, उनका मैं बताती हूँ। मारिया होस, तब हम मैंने उनको कॉल किया है, ठीक है, जो ग्रुप 10 है, जब वो आ जाएंगे तो फिर मैंने आज उनको जरा डिस्कस करना है पहले, तब तक मैं आप लोगों का ये काम चेक करती हूँ। अच्छा क्या नाम है, मारिया घोष, आपने ये जो डिस्कशन है ना, ये डिस्कशन नहीं, ये कंक्लूजन होता है, ठीक है, इसको ये कंक्लूजन लिखते हैं। और आपने जो है वो इंट्रो भी दे दिया है, और एम कहाँ है, एम ऑफ द स्टडी या ऑब्जेक्टिव किधर है? मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपने उसका बैकग्राउंड या इंट्रो देना है, उसके बाद एम ऑफ द स्टडी, फिर मेथड, फिर रिजल्ट्स, मेथडोलॉजी, मेथड्स नहीं लिखना आपने, मेथडोलॉजी लिखना है, ठीक है। आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं अभी तक ये चीज पता, तुम लोग सामने होते ना, मैं तुम लोगों को अच्छा सा लिखवाती जरा, फिर तुम लोगों को पता चलता अभी मेथड्स नहीं होता, मेथडोलॉजी होता है, और एम ऑफ द स्टडी इसमें से मिसिंग है। मारिया घोष आप सुन रही हो ना, मारिया घोष, मैं आपका ही ओपन किया हुआ है, ठीक है, और वर्ड का पेज जो होता है ना, वो एक पूरा डॉक्यूमेंट होता है, ये आपने मेल पे किया हुआ है ना, कॉपी पेस्ट कर दिया हुआ है इस पे, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट जो था ना, मैं आपको बता, मैं आपका चेक कर रही हूँ, लेकिन आपने जो करना है ना, वो वर्ड की फाइल पे टाइप करना है, और वो एक डॉक्यूमेंट फाइल बनती है, वो आपने मुझे मेल करनी है, ठीक है। जी जी मैंने व्हाट्सएप भी देख लिया था, वो वर्ड की फाइल नहीं होती है, जो आपने मुझे सेंड किया है ना, वो आपने उस पर से कॉपी करके उस पर पेस्ट किया हुआ है, मतलब मेल, जो डॉक्यूमेंट बनाना सीखो कि आपने वर्ड की फाइल को कैसे सेव करना है और कैसे आगे मेल करना है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें बड़ी जरूरी हैं। ओके ठीक है, और बाकी आपने जो है वो एम ऑफ द स्टडी भी नहीं उसमें कि आपके क्या मकसद क्या है स्टडी का, ऑब्जेक्टिव जिसको कहते हैं, ठीक है, और मेथड्स को मेथड्स नहीं लिखना, मेथडोलॉजी लिखते हैं, ओके, मटेरियल्स एंड मेथडोलॉजी, या सिर्फ मेथडोलॉजी लिख लो, ओके। अच्छा जी, मैमूना शरीफ आप ग्रुप 10 में है, ठीक है, आपके साथ है मुसरत परवीन और मेमूना शरीफ, आप लोगों ने कुछ डिस्कस किया, आप लोग तीन लोग हैं, ठीक है, तो आपको मुश्किल हो रही है ना, तो
आपने अभी तक क्या टॉपिक सेलेक्ट किया मुझे ये बताएं पहले, क्या आप तीनों से काम नहीं हो रहा? आप लोगों का भी मसला हल करूँ ना, क्या इशू है? बाकी लोगों ने कुछ ना कुछ मेरे से डिस्कस किया, आपने कोई टॉपिक की डिस्कशन नहीं की बेटा। इनफर्टिलिटी अमंग वुमेन ऑफ कम्युनिटी इन लाहौर, ये आपने अकेली ने चूज किया है या जो आपके साथ हैं ग्रुप मेंबर्स ममूना शरीफ और सॉरी ममूना शकील और मुसर्रत परवीन, इन्होंने भी साथ डिस्कस किया है? मुझे ठीक से बताएं। और आपका कम्युनिटी का ये टॉपिक इतना अच्छा भी नहीं लग रहा मुझे, इनफर्टिलिटी वाला। अच्छा क्या नाम है, ममूना शरीफ आप प्रेजेंट हो भी तो आप मुझे ये बताओ खुश नसीबा कि जो अटेंडेंस वाले काम है ना ये मैंने लास्ट में करने हैं, ठीक है? अभी मुझे कोई अटेंडेंस ना सेंड करे अपनी, ये मैं लास्ट में लूंगी, लास्ट 15 मिनट्स में, ठीक है? अच्छा मुसरत के साथ बात नहीं हुई, ठीक है? आपको, आप लोग सिर्फ तीन मेंबर्स हो, ठीक है? आपको मुश्किल हो रहा है तो आपको मैं दूसरे ग्रुप मेंबर्स के साथ एडजस्ट कर दूं कि 5-5 का ग्रुप बना देती हूँ, फिर कुछ ग्रुप्स जो उनसे हैं तीन ग्रुप्स या चार ग्रुप्स जो उनसे हैं वो 5-5 के ग्रुप्स बना देती हूँ, ताकि उनके ऑलरेडी सिलेक्टेड जो उनसे हैं ना टॉपिक्स वो आप लोग उस पर काम करो, ठीक है? इसलिए कि ये वाला टॉपिक भी मुझे इतना अच्छा नहीं लगा और कोई डिस्कशन भी नहीं, ना आपने मुझे कोई एब्स्ट्रैक्ट सेंड किया है ना कुछ किया है, तो अभी टाइम बहुत आगे तक हो गया है, लेट हो गया है, ठीक है? ठीक है तो नहीं 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 लेकिन मुझे आप तीनों को फिर ना डिफरेंट ग्रुप्स में उसमें एडजस्ट करना है, तो मैं आपको आज बता रही हूँ, इसीलिए अब आपका कोई टॉपिक सिलेक्ट अभी तक नहीं हुआ हुआ, तो आपने काम पता है किसके साथ करना है? मेरी एक सेकंड हेड जो है ना, बाकी बच्चे जो उनसे है ना वो अभी कुछ ना बोले, बहुत डिस्टर्बेंस हुई है मुझे दूसरे बच्चों की वजह से, कुछ बच्चों की वजह से, बाकी अच्छे हैं। अच्छा ग्रुप 8 है रोहिल वाला ग्रुप, ठीक है? उसमें फिर मुसर्रत फिर आप ग्रुप 8 में आ जाओ, ठीक है? उनका भी मेरे ख्याल से कम्युनिटी से रिलेटेड ही है। उसमें सुंदस है, नाइला बूटा है, इकरा नहीं सॉरी ग्रुप 8 में नयाब अमीन है, रोहिल सईद है, शमा नज़ीर है, शमीम तालिब है और ममूना शरीफ, ठीक है? मैं आपका नाम फिर ग्रुप 8 में डाल रही हूँ। ठीक है ममूना शरीफ आपका ठीक है, आप ममूना शरीफ ही हो ना, दो आगे ममूना शकील आगे, हाँ बस ठीक है। ममूना शरीफ आप जो हो ना आप ग्रुप 8 में हो, ठीक है? और ममूना शकील, हाँ जी ममूना शकील आपने कौन से ग्रुप में जाना है खुद ही बता दो फिर। आप चले जाओ, ऐसा करो ग्रुप 5 में चले जाओ फिर। ममूना शकील बेटा
आप ग्रुप 5 में चले जाओ, ठीक है? आज के बाद मैंने किसी का ग्रुप फिर चेंज नहीं करना। कल तुम लोगों को मसला होगा। हाँ ठीक है, मैं मोना शकील, ये बच्चे हैं जिन्होंने मुझे आज तक जो था ना बिल्कुल तंग नहीं किया। जिस ग्रुप में गए वहां आराम से एडजस्ट हो गए हैं। जी बेटा, ग्रुप 8 में 5 मेंबर्स हो गए हैं, मुझे पता है, इसीलिए क्योंकि 4 ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें 5-5 मेंबर्स करने पड़ेंगे, ठीक है? क्योंकि लास्ट वाला ग्रुप अभी 3 लोगों का है और 3 लोग थोड़े हैं, ठीक है? आप लोगों के ग्रुप्स वैसे ही रहेंगे जिनके पहले हैं। अभी जो 3 लोग हैं उनको मैं ऐड कर रही हूँ डिफरेंट, 4 लोगों को, ठीक है, डिफरेंट में। और ग्रुप 3 में गुलाम फातिमा है और मरियम सहर है, मेमूना खुदा बख्श है, इरम शहजादी है और नूरीन है। 5 लोग ग्रुप 3 में, भी 5 लोग हो गए हैं। ओके, ग्रुप 3 में 5 लोग हैं, ग्रुप 8 में 5 लोग हैं और ग्रुप 5 में भी 5 लोग हैं। इसमें मेमूना शकील को मैंने ऐड किया। इन्फेक्शन कंट्रोल वाला इनका शायद टॉपिक है और इन्होंने मुझसे अभी तक कोई डिस्कशन नहीं की। हाँ जी, इरम शहजादी आपका वही ग्रुप है, आप ग्रुप 3, और नोरीन तुफैल का भी ग्रुप 3, आप में भी 5 लोग हैं, ठीक है? अच्छा जी, मुसर्रत परवीन रह गई है। मुसर्रत परवीन ग्रुप 10 की, इसको हम डाल देते हैं जी। ये प्रेजेंट नहीं है ना, ग्रुप 10 वाली मुसर्रत परवीन बच्ची। सो ग्रुप 2 में डाल देते हैं फिर। ठीक है, ग्रुप 2 में चली जाइए। मुसरत परवीन को बता देना, वो हमेशा ही एब्सेंट होती है, उसको कहना आप ग्रुप 2 में हो। बेटा फ्रेंड्स वाला काम बस कर दो, ठीक है? अब मैंने मेमूना शकील को ग्रुप 5 में डाल दिया हुआ है, अब ये छोड़ दो। अब मैं दो दो फ्रेंड्स को देखूंगी, चार चार फ्रेंड्स को, अब इस तरह नहीं कर सकती मैं। अब जो सा ना वो 5 का ग्रुप बना हुआ है ऑलरेडी, मेमूना शकील को उसमें मैंने डाल दिया। अच्छा, वो मेटर्निटी पे है, ठीक है, वो ग्रुप 2 में है, कोई मसला नहीं है, उनका भी टॉपिक सिलेक्ट हुआ है स्टरलाइजेशन वाला, ग्रुप 2 में। मुसर्रत परवीन को बता दो, ठीक है? हाँ, उसको बता देना कि आप ग्रुप 2 में हो। और ग्रुप 5 में जो है वो है मारिया तो फैल लोगों के साथ मेमूना शकील, ठीक है? ये अपडेटेड जो सी लिस्ट है ये मैं आपको कल तक सेंड कर दूंगी ग्रुप में, ठीक है? ये आज मैंने बता दिया है, ग्रुप 10 को मैंने खत्म कर दिया है। अब ग्रुप 10 के जो से लोग हैं वो मैंने डिफरेंट 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है? ओके, अब तो कोई मसला नहीं किसी को, अब तुम लोग काम कर सकते हो ना अच्छे से। हाँ जी, अब मुझे ये बताओ जरा तुम लोगों का काम कहाँ तक पहुंचा है, जिन्होंने तो मुझे सेंड कर दिए हैं वो एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है? वो तो बहुत अच्छी बात है, जैसे मर्जी किए किए तो, है ना? और बाकी अब ग्रुप जरा सामने आए जिन्होंने मुझे कुछ भी नहीं सेंड किया। सुंदस कौन सी? सुंदस तो अपने ग्रुप में ही है, ग्रुप 9 में, उसका पहले वाला ग्रुप ही है, ग्रुप 9 वालों किसी को नहीं बस किया, वो ग्रुप 10 वालों को डिफरेंट में मैंने उसमें कर दिया, ठीक है? बाकी सबका वही ग्रुप है।
बाकी लोग ना परेशान हो। सिर्फ ग्रुप 10 वाले बच्चों हैं, 3 रह गए थे जिसकी वजह से मैंने उनको एडजस्ट करना था ग्रुप्स में। इसलिए एनीवेज अब काम की तरफ आओ। ग्रुप 1 वाले लोग कौन कौन है प्रेजेंट? मरियम जफर, सिंबल जफर, पुनजा फियाज और सैमा यासीन। ग्रुप 1 का कोई भी प्रेजेंट नहीं है? अच्छा, मरियम प्रेजेंट है। मरियम जफर जी, बेटा वेयर इज योर एब्स्ट्रैक्ट? आपका एब्स्ट्रैक्ट कहाँ है? आर्टिकल कहाँ है? बेटा कितना टाइम लग रहा है यहाँ है? फिर ये कल की बात नहीं आ रही है, अब नेक्स्ट वीक पे चली जानी है बात, इसलिए कि हमारी फिर क्लास नेक्स्ट वीक में मंडे को है। अभी मैंने आपसे काम स्टार्ट करवाना है, अभी हमने कितना काम है, आपने डेटा कलेक्ट करना है, किस तरह काम होगा? और बाकी तुम लोगों के किधर है मेंबर्स? सुंबल जफर कहाँ है और साइमा यासीन कहाँ है? इन्होंने काम नहीं करना है? मारिया घोष, अभी आपकी बारी नहीं आई ना, अभी मैं ग्रुप 1 से बात कर रही हूँ। बेटा आप तो कर दोगे व्हाट्सएप, लेकिन कितना टाइम गुजर चुका है? ठीक है, मैं कि हर वीक में मैं चीखती हूँ कि अच्छा ये कर लो ये कर लो, क्वेश्चनेयर वाला नहीं मिल रहा आपको? क्वेश्चनेयर के लिए उनको रिक्वेस्ट करनी होगी ऑथर को, ठीक है? वो 2-4 दिन में आपको मेल कर देगा, 3-4 आर्टिकल्स देख के जिनका आपको अच्छा लग रहा है उनके ऑथर्स को मेल करो। हाँ जी सैमा यासीन, आप किधर होती हैं? आपने तो मुझे आज तक कुछ भी डिस्कस नहीं किया। लेकिन आपने कभी डिस्कस ही नहीं किया, ऑनलाइन होती हैं तो मारिया घोष, मैं आपको क्या कह रही हूँ, अभी मैं ग्रुप 1 को डिस्कस कर रही हूँ, आप क्यों भी मेरे क्वेश्चन कर रही हैं? अभी आपकी बारी बाद में आएगी ना, तो फिर आपने तब डिस्कस करना है। एक ग्रुप को पहले मैं, आप ग्रुप 6 की हो ठीक है, अभी आप वेट करो। हाँ जी बताओ, आपका क्या टॉपिक है? साइमा यासिन, क्या किया अभी तक आप लोगों ने? कुछ भी नहीं सेंड किया, एक एब्स्ट्रैक्ट बना के भी नहीं सेंड किया जो कि तुम लोगों ने अपनी तरफ से बनाए हुए हैं, वो भी नहीं किया।
टू कहाँ है? ग्रुप टू वाले सामने आएंगे, सबा नजीर राबिया फिन्नत रसूल हरम नशीन और मुसर्रत परवीन। हाँ जी, कहाँ तक पहुंचे हो आप लोगों ने? मुझे सेंड नहीं किया क्वेश्चनियर। आप मुझे अभी सेंड करो जरा अपने जो सा टॉपिक है उससे रिलेटेड आर्टिकल अभी अभी। जी मेल क्या किया हुआ है आपने हरम? मैंने आपको कहा था कि आपका तो पड़ा हुआ है नेट पे, मैं ही ढूंढ के दूं आपको, आपको नहीं मिला? इतना कुछ बता दिया सीधा सीधा मैंने तुम लोगों को, आसान तरीका चोर बाजारी जो होती है ना वो बताइए। ठीक
ठीक है, अभी भी आप लोगों को समझ नहीं आई है कि थीसिस निकालो, थीसिस पड़ा हुआ नेट पे, मैं तुम्हें ढूंढ के दे दूंगी। ये काम तुम लोगों का है, मेरा नहीं है, ठीक है? और ये फिर भी मैं ही करके दूं। हरम नशीन, तुम लोगों का नेट पे पड़ा है बहन, उसको देखो, ठीक है? हाँ जी, और आपको मैंने कहा था कि आप लोग तो लिखना शुरू करें, आप जिसका फाइनल है वो तो लिखना शुरू करें। आपने लिखना शुरू किया अपना आर्टिकल, प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया, इंट्रो लिखा है, उसमें लिटरेचर रिव्यूज डालो, पैराफ्रेज करके डालना है, और मुझे वो सेंड करो जरा, जितना भी काम किया आप लोगों ने। हाँ, ये जैसा आपने मुझे आर्टिकल सेंड किए ना, इसके इस स्टेटमेंट के साथ ना आप लिखो के थीसिस, ठीक है? और उसके साथ थीसिस आपका निकल आएगा पूरा का पूरा। हाँ, पूरी स्टेटमेंट लिखो या लिख दो कि कैप स्टडी ऑन नर्सिस रिगार्डिंग स्टरलाइजेशन, और साथ लिख दो थीसिस, THESIS, ठीक है? तो वो पूरा थीसिस PDF फाइल में होगा पड़ा, और वो सेव हो जाएगा। तुम लोग PDF पे वो फाइल, और कोई होंगे उसके पेजेस 60-70 या 100 तक, ठीक है? और वो आपका पूरा थीसिस होगा, और उसमें देखना लास्ट में ना रेफरेंसेस के बाद उसमें क्वेश्चनेयर होगा, और वो तुम लोग आज ही निकालो, मुझे पता है उस पर पड़ा होगा नेट पे, ठीक है? और ऑथर को साथ मेल भी कर दो, ताकि वो तुम्हें परमिशन दे देगा उतने दिन में, ठीक है? तब तक तुम लोगों का क्वेश्चन तो तुम्हारे हाथ में होगा, सिर्फ तुम्हें परमिशन की जरूरत होगी, वो तुम्हें मेल कर देगा। ओके, ग्रुप 3 आ जाए, गुलाम फातिमा, मरियम, सहर, ममूना, खुदाबख्श और नौरीन और इरम शहजादी। अच्छा बच्चों, जो इस ग्रुप में डिस्कस हो रहे हैं ना, इस क्लास में डिस्कशन हो रही है ना जिन ग्रुप्स की, वो नेक्स्ट क्लास में, उससे नेक्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ताकि सबको टाइम मिले। अभी हम ग्रुप 3 पे हैं, तो हम नेक्स्ट क्लास में ग्रुप 4 से स्टार्ट लेंगे। ओके, ग्रुप 3 वाले हैं गुलाम फातिमा, मरियम, ममूना, नूरीन और इरम। किधर चली गई हो आप, आ जाओ जरा सामने। टाइफाइड का था ना आप लोगों का, ग्रुप 3 में गुलाम फातिमा है, मरियम, ममूना खुदाबख्श, नूरीन और इरम, 5 लोग। हाँ जी बेटा, आ जाओ सामने जल्दी से, फिर मैंने अटेंडेंस लेनी है। Thank you.
अच्छा जो ये इस क्लास में आयशा प्रेजेंट है, कौन सी वाली आयशा है? आयशा आप अपना पूरा नाम बताएं। देखो सबसे पहले बच्चों मैंने तुम लोगों को एक बात बताई थी, टॉपिक वो चूज करो जो तुम लोगों के लिए इजी हो, ठीक है, जिस पे आप इजीली काम कर सको आगे के लिए। देखते हैं जबरदस्ती किसी चीज के पीछे नहीं करना। मैंने आपको हमेशा एक चीज बताई है कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, जहां आपका क्लिनिकल साइड पे करना चाहते हो वहां करो। मैंने आपको बाउंड नहीं किया कि नहीं तुम लोगों ने अगर ये करना है तो ये ही करना है, ठीक है, हमेशा यही कहा है ना फातिमा। तो बेटा आप, हाँ फातिमा गुलाम फातिमा है ना, तो आप लोगों ने खुद सोच के ही टॉपिक चूज किया है, ठीक है। बेटा अब मैंने बिल्कुल चेंज नहीं करना, ठीक है, अब फाइनल हो गया है। अब आप ग्रुप खुश नसीब आप ग्रुप फोर में, अभी बस अभी ग्रुप के बारे में और मजीद बात नहीं होनी मेरे सामने, किसी ने अब ग्रुप की बात नहीं करनी। जो ग्रुप है ना वही आपका निडल स्टिक इंजरी वाला है, आपका वही रहेगा, ठीक है। सारे लोग ग्रुप थ्री में आना चाहते हैं, मुझे नहीं समझ आती क्या रीजन है। अच्छा जी, हाँ जी, नोरीन और इरम, इरम आप बताओ कितना काम किया आपने, क्या काम किया कल से आज तक का? आपको कंफर्म था, ठीक है ना, कि आप ग्रुप थ्री में हैं, तो आपने अभी तक अपने फेलोज से कांटेक्ट किया और उनसे क्या कुछ पूछा है या क्या डिस्कशन की है, उनको क्या सजेशन दिया है? कोई रिप्लाई नहीं आ रहा अब ग्रुप थ्री की तरफ से। बेटा फातिमा उनको लगता है मेरी आवाज नहीं जा रही है, इरम और नोरीन को, बाकी पूरी क्लास को आवाज आ रही है।
अच्छा, आप क्लास पूरी क्लास के लिए ये मैसेज है अब, ठीक है, कि मुझे ना अभी आज के बाद किसी ने ग्रुप के लिए कोई मैसेज नहीं करना। अब जो ग्रुप मैंने बना दिया ना, आपकी मर्जी से भी बनाए, दो दो फ्रेंड्स को अब चार चार फ्रेंड्स में चेंज होना है तो सॉरी, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती, ठीक है। पूरी क्लास के लिए मैसेज है, आज के बाद यहाँ ग्रुप की बात नहीं होगी, ठीक है। जो ग्रुप्स बन गए हैं अब बन गए हैं, अब मैंने नहीं चेंज करने मजीद। आप लोग किसी के साथ एडजस्ट ही नहीं कर सकते, मतलब आप तो इतने अडल्ट अडल्ट लर्नर हो, ठीक है। अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड मेरे से हर बात कर लो, लेकिन मुझसे अब ग्रुप चेंज करने के बारे में कोई बात नहीं करनी, बस। ठीक है, ओके। हम नेक्स्ट क्लास में ग्रुप 4 से स्टार्ट लेंगे, ठीक है। तो ग्रुप 4 वाले अब रेडी रहें, जो बाकी काम है आपका, जो भी आपने एब्स्ट्रैक्ट मुझे सेंड नहीं किया, मुझे लग रहा है आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया सेंड, तो फिर डिस्कशन होती है नेक्स्ट क्लास में। तो अभी मैं आपके अटेंडेंस लेने लगी हूँ। ऐसे की क्लास किससे लेनी है अभी? नहीं, पोस्ट ऐसे की क्लास मेरे पास नहीं है। कोई नहीं। नहीं।